नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र के ग्राम सराय भूपत कटेखेड़ा में किसान कमलेश यादव के गेहूं के कटे हुए खेत में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। तभी दमकल की गाड़ी को फोन किया गया। तुरंत मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और उसने मौके पर गेहूं के कटे खेत में लगी आग को पानी की बौछार मारकर बुझाया। तब जाकर आग शांत हुई। गलीमत यह रही कि गेहूं की फसल पहले से ही कट चुकी थी, इस कारण किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ और भारी नुकसान होने से बच गया। ग्रामीणों और दमकल की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया और आग बुझ गई। किसी भी किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ, दमकल की गाड़ी का भी सभी ग्रामवासी कर रहे प्रशंसा। नीरज यादव, सुमित यादव, पवन यादव, सुधीर यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि अगर दमकल की गाड़ी के मौके पर ना आती तो हो सकता था भारी नुकसान। उस रहार से गौरव शाकी की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।